हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी पढ़ी थी, थोड़ी जानकारी ली थी, कितने पार्ट्स होते हैं और थोड़ा डिफिनेशन वगैरह जाना था, तीन प्रश्न को भी हल करा था। आज हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, पुशिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक ऑलरेडी हैविंग फाइव एलिमेंट्स एंड स्टैक साइज ऑफ फाइव देन स्टैक बिकम्स। पहले से जो है फाइव साइज का स्टैक है, स्टैक में पांच एलिमेंट भी हैं। अब हम छठा एलिमेंट उसमें डालना चाहते हैं तो क्या होएगा? तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज पहले से भरी हुई है उसमें अगर आप कुछ और डालेंगे तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो होगा। फिफ्थ है हमारा, ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन बी टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड इज नॉन एज, जिसमें इंसर्ट कर सके एक साइड से और डिलीट कर सके दूसरे साइड से, उसको क्या कहते हैं, क्यू, स्टैक, ट्री या लिंक लिस्ट। ठीक है, तो उसे क्यू कहते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा हुआ है। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवल्सर ऑन ए ग्राफ इज, ग्राफ के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आप जान लो कि ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवल्सर में, ग्राफ में जो यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर वो होता है क्यू। ठीक है, हमारा आगे का प्रश्न है, ए क्यू फॉलोज, क्या क्यू क्या फॉलो करता है, फीफो को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो को लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑर्डर एरे या लीनियर ट्री। क्यू फॉलो करता है फीफो को, जो पहले जाएगा अंदर वो पहले आएगा बाहर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आगे का प्रश्न है, सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नॉन एज, सर्कुलर क्यू को दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है रिंग बफर। नाइन्थ प्रश्न देखिए, इफ द एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड इन ए क्यू, क्यू में डाले गए ए बी सी डी एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम, व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव्ड, किस ऑर्डर में वो रिमूव होंगे। देखो आप क्यू में गया है ये, ठीक है, क्यू में गया है तो हमारा किस ऑर्डर में ये रिमूव होगा, ए बी सी डी में, डी सी बी ए में, डी सी ए बी में, ए बी डी सी में। अब याद करो आप कि क्यू में क्या होता था, क्यू में हम जब डालते थे किसी एलिमेंट को डालेंगे तो क्यू में क्या होगा, हमारे सामने क्यू है। ठीक है, तो क्यू में हमने पुश करा ए को, फिर बी को, तो ए चला गया नीचे, बी आ गया उसके पीछे, आई मीन ऊपर में, सी बी के ऊपर में, डी सी के ऊपर में। ठीक है, तो अगर आप रिमूव करेंगे तो किस रिमूव किस ऑर्डर में रिमूव होगा, लास्ट से ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ए बी सी डी। ठीक है, तो ये है हमारा नाइन्थ का सही आंसर। ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट और फ्रॉम बोथ द एंड्स बट नॉट द मिडल, दोनों तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं लेकिन बीच से नहीं, तो उसके उसे हम क्या कहते हैं, क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू या प्रायोरिटी क्यू। सही आंसर है डी क्यू। आगे का प्रश्न है, ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स वेयर द लीनियर नोड इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। ठीक है, एक लीनियर कलेक्शन जहां पे डेटा एलिमेंट्स के साथ साथ लीनियर नोड में पॉइंटर भी होता है, वो इसमें से कौन सा है, लिंक लिस्ट, नोड लिस्ट, प्रिमिटिव लिस्ट, अंडर। तो हमने लिंक लिस्ट में देखा था कि एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा होता है और दूसरा पॉइंटर होता है।
आगे का प्रश्न है, इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स मिनिमम ऑफ टू फील्ड्स, वन फील्ड इज डेटा फील्ड टू स्टोर द डेटा एंड सेकंड फील्ड इज, दूसरा फील्ड क्या होता है, एक फील्ड तो डेटा होता है, दूसरा फील्ड क्या होता है, पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू नोड। इतना तो हमें पता है कि पॉइंटर होता है, लेकिन पॉइंटर किसका पॉइंटर होता है? तो इसका सही आंसर होगा पॉइंटर टू नोड, जो दूसरा होता है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है उस पॉइंटर में, यानी ये सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14th प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डबली लिंक लिस्ट, इसमें से कौन सा कथन डबली लिंक लिस्ट के लिए गलत है? वी कैन नेविगेट इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस देन अ सिंगल लिंक लिस्ट, ज्यादा जगह चाहिए इसको। द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए नोड टेक ए बिट लॉन्गर, इंसर्ट करना और डिलीट करना थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। इंप्लीमेंटिंग अ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा इजी होता है डबली लिंक लिस्ट। कौन सा इसमें से सही है, कथन कौन सा गलत है, ऑप्शन हमारा सही कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही है डी और ये कथन गलत है। ठीक है, क्या, इम्प्लीमेंटिंग अ डबली लिंक लिस्ट इज इजियर देन सिंगली लिंक लिस्ट, ये इजी नहीं होता है, डबली लिंक लिस्ट टफ होता है सिंगली लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में इम्प्लीमेंट करना। से कलर कर देते हैं। हमारा 15th प्रश्न है, व्हाट इज अ मेमोरी एफिशिएंट डबल लिंक लिस्ट, इसमें से कौन सा है जो मेमोरी एफिशिएंट है? ईच नोड हैज ओनली वन पॉइंटर टू ट्रैवर्स द लिस्ट बैक एंड फोर्थ, एक ही नोड, एक ही पॉइंटर हो सारे नोड में जो बैक एंड फोर्थ मूव करे। द लिस्ट हैज ब्रेक पॉइंट्स फॉर फास्टर ट्रेवल्सर, बीच बीच में लिस्ट में ब्रेक पॉइंट्स हो, या सी एन एक्सिलरी सिंगली लिंक लिस्ट एक्ट एज अ हेल्पर लिस्ट टू ट्रैवर्स थ्रू द डबली लिंक लिस्ट, या एक सहायक सिंगली लिंक लिस्ट उसके साथ साथ हो। डी है, ए डबली लिंक लिस्ट दैट यूजेज बिटवाइज एंड ऑपरेटर फॉर स्टोरिंग एड्रेसेस, या एक डबली लिंक लिस्ट हो जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर को रखता हो। इसमें से कौन सा होगा जो मेमोरी एफिशियंट होगा? तो हमारा सही आंसर है इनमें से ए। ए में क्या हो रहा है, ईच नोड हैज ओनली वन पॉइंटर, एक ही पॉइंटर हो, ठीक है, सारे नोड में एक ही पॉइंटर हो जो लिस्ट के बैक एंड फोर्थ मूव करे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए मेमोरी एफिशिएंट होगा, कम मेमोरी की खपत होगी। ठीक है, 16th है, व्हाट डिफरेंशिएट्स ए सर्कुलर लिंक लिस्ट फ्रॉम ए नॉर्मल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और नॉर्मल लिंक लिस्ट में क्या अंतर होता है? यू कैन नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्या सर्कुलर लिंक लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंटर नल को नहीं बता सकता है? इट इज फास्टर टू ट्रेवर्स द सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करना ज्यादा फास्ट होता है, या यू मे और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंटर नल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हेड नोड इज नॉन एज सर्कुलर लिंक लिस्ट, या हेड नोड सर्कुलर लिंक लिस्ट के नाम पर जाना जाता है। इनमें से कौन सा होगा सही? तो देखो, आप सी होगा इसका सही आंसर, आपका नेक्स्ट नोड में नल भी हो सकता है, ठीक है, या नल नहीं होगा तो ये हेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू मे और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसके बाद 17th प्रश्न है, व्हाट डज स्टैक अंडर फ्लो रेफर्स टू, स्टैक अंडर फ्लो का क्या मतलब होता है? ये प्रश्न हम लोगों ने एक दूसरे तरीके से ऊपर भी देखा था। ठीक है, क्या है हमारे पास ऑप्शन, एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम एन अनडिफाइंड स्टैक,
ठीक है, एक अनडिफाइंड स्टैक है और उसके आइटम को हम एक्सेस करना चाहते हैं। एडिंग आइटम टू अ फुल स्टैक, पहले से भरी हुई है उसमें हम डालना चाहते हैं। रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, खाली है और हम उससे निकालना चाहते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन या इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है। तो हमारा सही आंसर है रिमूविंग आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। स्टैक पहले से खाली है और उसमें से हम एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, तो वो है स्टैक अंडर फ्लो। 18वां प्रश्न है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग अ वर्ड। एक वर्ड को अगर रिवर्स करना है तो उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सही है, क्यू, स्टैक, ट्री या ग्राफ। वर्ड को रिवर्स करने के लिए सबसे सही होता है स्टैक। 19वां प्रश्न है, ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर रिवर्सिंग अ वर्ड फॉर ए स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक आर पुश एंड पॉप। तो अगर वर्ड को रिवर्स करना है तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, पुश या पॉप, ये कथन सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है क्योंकि स्टैक यूज करने हैं और स्टैक में इंसर्ट और डिलीट पुश और पॉप के बेस पे होता है। अब देखिए, व्हाट विल बी द वर्ड ऑब्टेंड इफ द वर्ड ए बी बी सी ए बी बी इज रिवर्स। अगर हम इसे रिवर्स करेंगे स्टैक के थ्रू तो इनमें से कौन सा वर्ड बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी बी ए सी बी बी ए। कैसे बनेगा उसको आप देखो, इसको हमने एक स्टैक के अंदर पहले इसको डालना है, जिस क्रम में है उसी क्रम में हमें इसे डालना है। हमने पहले डाला ए, फिर डाला बी बी सी ए बी बी, ठीक है, ये हमारा डला हुआ है। अब हम इसे रिवर्स करेंगे, हमने निकालना शुरू किया पीछे से बी बी ए सी बी बी ए। तो अब हमारे पास ऑप्शन है बी बी ए सी बी बी ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, सी में है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अभी हमने देखा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के प्रश्न, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न।